एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राजा मौली ने ट्रिपल आर के बारे में। क्या मूवी की तैयारी हो चुकी है शुरू? साल 2022 की जबरदस्त एक्शन ड्रामा मूवी RRR को लेकर हम क्या ही कहें। मतलब मूवी ने पैसा वसूल, एंटरटेनमेंट दी, जबरदस्त कंटेंट के साथ रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे मेगा स्टार्स को लेकर डायरेक्टर SS राजा मौली ने सभी के होश उड़ा दिए। अब राजा मौली ने इस मूवी के सीक्वल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे ऑडियंस खुश होने वाली है। चिकागो में एक इवेंट के दौरान राजा मौली को सीक्वल के बारे में पूछा गया, तो उसका पॉजिटिव वे में जवाब देते हुए उन्होंने यही बताया कि वो इस मूवी के सीक्वल को लाने वाले हैं। USA में भी इस मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान राजा मौली को इन सारे जवाबों के साथ घेर लिया गया। राजा मौली ने यही कहा कि कहानी को लेकर अभी काफी सारी बातचीत हो रही है, अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं की गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनकी फिल्मों की कहानी उनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद ही लिखते हैं, जो अभी RRR2 की कहानी पर भी काम कर रहे हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि ट्रिपल आर का सीक्वल हमें देखने को मिलेगा। वैसे अभी तक RRR का ही जलवा कम नहीं हुआ है। ये मूवी जापान के थिएटर्स में दिखाई गई और खुलासा किया गया कि 20 दिन के अंदर 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने ये मूवी देखी है। अब तक इस मूवी ने वहां पर 11 करोड़ के आसपास कमाई की है और इसके आगे भी कमाई का आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर अभी तक इस मूवी का जलवा कम नहीं हुआ है तो सोचिए सीक्वल आने के बाद कितना बड़ा हंगामा होगा। वैसे इन सब को लेकर जूनियर NTR और रामचरण कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं, पर जाहिर सी बात है कि वो दोनों भी काफी एक्साइटेड होंगे RRR2 को लेकर। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस बात को सुनकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।